दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर में ट्यूशन पढ़कर वापस आ रहे चार बच्चों को शराब पीकर स्विफ्ट कार चला रहे एक कॉलेज के विद्यार्थी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि 13 वर्षीय हरमीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई और उसका 15 वर्षीय भाई गुरजीत सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दोनों भाई बहन एक्टिवा पर सवार थे और ट्यूशन पढ़कर वापस घर आ रहे थे। इनके साथ ही मोटरसाइकिल पर दो और बच्चे ट्यूशन से ही वापस आ रहे थे कि वह भी रैश ड्राइविंग करने वाले चालक की गाड़ी की चपेट में आ गए और वो दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार चला रहे विद्यार्थी रॉबिन सिंह और उसके साथ कार में सवार पाहुल दीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सफेद रंग की वो आ रही थी तारावाला पुल से सुल्तानगंज चौकी और आ रही थी, काफी रैश ड्राइविंग कर रहे थे लड़के। इन्होंने हिट किया एक एक्टिवा गाड़ी को और एक मोटरसाइकिल को, तो जिससे एक लड़की की डेथ हो गई। तो बाकी जो तीन लड़के हैं वो जख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो पता चला कि जो ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी और उनका मेडिकल करवा के जो भी सेक्शन के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई कर रही है। नहीं, दोषी नहीं स्टूडेंट्स हैं, ये तो प्राइवेट लड़के हैं, ये तो तन तन के हैं, रिटॉलमेंट के उधर जा रहे थे। तो जो जिसकी डेथ हुई लड़की की, वो भी स्टूडेंट थी और जो जख्मी हुई वो भी स्टूडेंट है। कार्रवाई जी वो उनकी स्टेटमेंट लेके, जो भी उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक होगी।